डी किसान बदलते भारत की शान। डी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान चैनल पर मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ हमारा कार्यक्रम सफल किसान, जिसके जरिए हम आपको देश के अलग अलग क्षेत्रों के सफल किसान से रूबरू करवाते हैं। ऐसे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ अलग करने की ठानी है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे हमारे सफल किसान दयानंद यादव से, जो दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। बता दें आपको, पिता से मिली प्रेरणा और लगन शक्ति के चलते ये अपने भाइयों के साथ मिलकर सफल किसान का ओहदा पा चुके हैं। खेती के साथ साथ ये बेहद आसानी से पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं, जिसके चलते इनके चर्चे दूर दूर तक हो रहे हैं। 1990 से लेकर अब तक इन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा कार्य की है। जी हाँ, कई तरह के रोजगार उत्पन्न किए हैं इन्होंने, जिसके चलते एक मिसाल ये बन चुके हैं। तो फिर आइए इनके सफर को जानने के लिए राजधानी दिल्ली के घुमनहेड़ा गांव का रुख करते हैं। वैसे तो राजधानी दिल्ली किसी परिचय की मोहताज नहीं है, इसी जगह से हजारों साल का इतिहास जुड़ा है। लेकिन आज हम किसी इतिहास की नहीं बल्कि बात करेंगे वर्तमान के ऐसे योद्धा की, जो रणभूमि में नहीं खेतों में अपना हल चलाकर और पशुपालन कर सफलता के नए आयाम रच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं घुमनहेड़ा गांव के सफल किसान दयानंद यादव की। दयानंद यहां अपने भाइयों की मदद से 150 एकड़ के खेतों में फसल उगाते हैं, वो भी सीजन के हिसाब से। इनका कहना है कि इनकी फसल बाजार में सरकारी रेट से भी अच्छे दाम में बिकती है। दयानंद अपने खेतों में सरसों, धान के साथ कई तरह की सब्जी भी उगाते हैं। कैसे वो ये सब करते हैं, सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं एक किसान हूँ, यहाँ खेती करता हूँ, गेहूँ की, धान की, सरसों की सब्जी भी करते हैं। टमाटर है, प्याज है, भिंडी, बैंगन, और अपने पशुओं के लिए हरा चारा जो भी ऑर्गेनिक करता हूँ, पशुओं के लिए जो हरा चारा करता हूँ। और मैं खेती करता हूँ 150 एकड़ के लगभग। उसमें सीजनेबल जैसे सरसों के टाइम पे 70-80 एकड़ में सरसों बोता हूँ, और 70 किले 50-60 किले गेहूँ के बोते हैं, और सब्जी के कभी 2 किले कभी 3 किले ऐसे सब्जी लगाते हैं। ज्वाइंट फैमिली है, हम 5 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। हम सब मिलके खेती करते हैं, बच्चे हमारे सब बाहर पढ़ते, बच्चों की ग्रेजुएशन सब बाहर करी है, कोई MBBS की है, किसी ने इंजीनियरिंग करी है। खेती हमारी अच्छे स्केल पे करते हैं, और बीज जैसे हमने KVK उजवा केंद्र से भी पता चला, ये उपचार करने की विधि भी नई नई वेराइटियाँ भी जो है पूसा से संस्थान से, जैसे अब धान का सीजन है, बारिश के सीजन में धान लगते हैं, तो अब 60 एकड़ में धान लगा रखे हैं, सब पूसा वेराइटी ला के उसमें 11-21 की भी है और 15-09 भी है, ये धान लगाते हैं। दयानंद यादव जैविक खेती करके आज खूब मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, और पशुपालन ने इस पर सोने पर सुहागा वाला काम कर दिया। दयानंद आज ट्रैक्टर और कई तरह की आधुनिक मशीनों और यंत्रों के जरिए खेती करते हैं, जिससे काम अच्छा भी होता है और जल्दी भी, और तो और लेबर ढूंढने की भी चिंता नहीं होती। गेहूं की बुआई के लिए खरीदी गई मशीन ने ये सारा काम और भी आसान कर दिया। अच्छी बात यह है कि दयानंद और उनके जैसे गांव के दर्जन भर किसानों को खरपतवार और पराली की कोई चिंता नहीं होती। इनका कहना है कि ये पराली को कभी जलाते नहीं हैं, बल्कि उसका निपटारा सही तरीके से करते हैं। सुनिए क्या है उनका ये तरीका। यंत्र में हमारे पास ट्रैक्टर है तो 65 हॉर्स पावर के, और अब सबसे अच्छी जो यंत्र हमारे पास आया धान सीधी बुआई के लिए, धान बिजाई के लिए एक मशीन लेके आए, स्टेप वाइज वे दाने डालते, जैसे 4 दाने 3 दाने एक जगह डाल दिया, अभी हमने बिजाई की है धान की, 10 एकड़ में बिजाई कर रखी है, उसका
अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट है। और जो पहले हम किसान भाई जो भी थे खरपतवार से डरते थे, अब इसके एक एसडी बीज पूसा ने नया निकाला है, उसमें खरपतवार नाशक जो दवाई डालते हैं, तो जो वे धान एसडी बीज निकाला है उससे अलग कोई भी और पिछले साल का गिरा हुआ बीज या जैसे अपने ज़मीन के पास सीड्स बैंक होता है, कोई भी खरपतवार जमे वो दवाई सबको नष्ट कर देगी। धान अपना एक नंबर से होता है, इसमें यंत्र है लेजर लेवल है, ये किसान का एक बहुत बड़ा यंत्र आ गया। ये मल्टीप्लाव है, कल्टीवेटर है, एक्स्ट्रा है, जो आजकल ये प्रदूषण का बड़ा चलन हो रहा है। हमारे यहाँ गांव के एरिए में पूरे गांव में कहीं भी कोई पराली नहीं जलाता, सब बिक्री हो जाती है, और जो बचता है विशेष बच जाता है खेती में उसको बिल्कुल ज़मीन में जुताई करके मिला देते हैं, उससे बड़ा फायदा होता है, आगे गेहूँ भी अच्छे होते हैं। किसान दयानंद ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अच्छी पैदावार की चाहत में किसान खेतों में रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस रासायनिक खाद से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने हमेशा अपने खेतों में जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती को ही प्राथमिकता दी है, जिसका परिणाम उन्हें आज एक सफल किसान बना चुका है। इसी खेती किसानी की मदद से उन्होंने अपने परिवार के बच्चों को डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक बनाया है, और ये किसी भी किसान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इस बारे में दयानंद के साथ काम करने वाले उनके छोटे भाई क्या कहते हैं, सुनिए। यहाँ हमारा जो डेयरी फार्म है इसमें हम काम करते हैं, 5 भाई, ज्वाइंट फैमिली हमारी, 500 भाई। बड़े भाई का नाम दयानंद यादव, वो संचालन है इसके डेयरी के सारे करता धरता वही है। तो हम सब मिलके अपना गऊ सेवा लगे रहते हैं, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इससे हमारा पूरा, वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सारा काम हो रहा है, डेयरी फार्मिंग भी अच्छी तरह से चलती है, यही काम है जी खेती का और गऊ पालक का। दयानंद का प्रयास है कि खेती किसानी के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं इनके फार्म में ही उपलब्ध हैं। शायद इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी छोटी सी गौशाला को आज इतना बड़ा बना दिया कि उनके दूध की डिमांड आज दूसरे राज्यों तक पहुंच रही है। इनका मानना है कि गांव में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है, और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा। पशुपालन के जरिए दयानंद अपने खेतों के लिए जीवामृत तैयार कर लेते हैं और इन्हें बाजार से कुछ लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान दयानंद यादव से हम जानेंगे कि वो खेती किसानी के साथ साथ कैसे आसानी से पशुपालन कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार, तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान दयानंद यादव का, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह की प्रक्रिया को अपना रहे हैं जिससे आसानी से वो खेती के साथ साथ पशुपालन को भी अपनाए हुए हैं। दयानंद का मानना है कि गौ माता उनके और उनके परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उनके परिवार को गौ माता का आशीर्वाद मिला है जिससे वो आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। खेती करने के साथ पशुपालन का व्यवसाय का मुख्य जरिया बन गया है, जिसे पूरी ईमानदारी से करते हैं, खुद की बछड़ियाँ तैयार करते हैं, और जब कुछ सालों में ये दूध देने लायक हो जाती हैं तो इससे इनका मुनाफा लगातार बढ़ता जाता है। दयानंद आजकल के युवाओं को भी अपने पशुपालन से ही संदेश देने का काम भी कर रहे हैं। गौ माता से बचपन से ही लगाव रहा है, पहले हमारे पिताजी दो तीन ऐसे रखते थे, और हमने शुरू से ही गौ माता का ये दूध पिया है। ये पौष्टिक भी है, एक्टिविटी भी है, दिमाग भी बच्चों का अच्छा रहता है, तो हमने इतना लगाव हो गया। तो एक जब जैसे हमने स्टार्ट किया तो एक मन में ये था भाई हर एक आदमी को प्योर दूध मिल जाए। मार्केट ये दिल्ली की अपनी थी, यहाँ डिमांड बहुत थी लेकिन चीज़ नहीं मिलती, और अब हमारे पास चीज़ है, इतने ग्राहक है,
ग्राहक को मना करना पड़ जाता है, लेकिन हमारे दूध पूरा नहीं होता। क्यों? एक रेंज होती है बंदे काम करने की। हमने इतना अपने 40-50 गायों के लिए काम कर रखा है। हमने एक गाय पहले जैसे शुरुआत में अपने घर के लिए ली, धीरे धीरे ये व्यवसाय बन गया। हमने ईमानदारी से काम किया, एक गाय 365 दिन देते तो 3 महीने के लिए ड्राइव रहती, 2.5-3 महीने एक साहिवाल गाय अच्छी नस्ल की, बाकी इससे इनकम बढ़ने लगी। धीरे धीरे हमने एक बार 80 गाय हमारे पास हो गई थी, तो फिर उस बच्चे से लग गया हमारे, तो धीरे धीरे कम कर दी। अच्छी बछड़ी हमारे पास नस्ल की तैयार, कोई भी मैं असली जो मेरा महत्व है, जो बच्चों को बताना है, जो किसान भाई करना चाहता है, वो ये नहीं अगर आज आपने लोन ले लिया और हम गाय से एकदम करोड़पति, वो नहीं होता। इसमें काम करना पड़ेगा 5 साल कम से कम, जब अपनी बछड़िया तैयार हो जाएगी और जब वो बच्चा देने लग जाएगी तो व्यवसाय बहुत बढ़िया। जो 20-30 हज़ार की नौकरी करने के लिए शहर में बाजे डोलते हैं, आज मोटरसाइकिल ले रखी है, उसमें पेट्रोल नहीं है, माँ बाप को छोड़ के भाज रहे हैं, तो गांव में अगर कोई रहता है वो 20 हज़ार की नौकरी के लिए कहीं भज रहा है, उससे अच्छा है ईमानदारी से काम करेगा तो देखो कुछ दिन के लिए नफा भी रहेगा, घाटा भी रहेगा। खेती के साथ पशुपालन ने दयानंद के संयुक्त परिवार को आज कामयाब बना दिया है। दयानंद और उनके भाई ही नहीं बल्कि उनके बच्चे भी खाली समय में पशुओं की देखरेख का काम करते हैं। दयानंद खेत से मिलने वाली ताजा सब्जियां अपने पशुओं को खिलाते हैं, जिससे उनसे मिलने वाले दूध की गुणवत्ता और भी बढ़िया मिलती है। 1990 से दयानंद लगातार पशुपालन कर डेयरी का काम कर रहे हैं। इनका गायों के दूध की डिमांड आज राजधानी दिल्ली के आसपास के शहरों में भी रहती है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने और उनके भाइयों ने कड़ी मेहनत की है और पिता की शिक्षा पर काम करते हुए वो अपने परिवार को आज यहां तक ला पाए हैं। खेती के साथ साथ हमारा डेयरी वैसा है भी, जैसे पहले भैंसे बहुत रखते थे, लेकिन अब 10 साल से गायों पे काम किया हमने, तो हमारे पास अब 40-45 गाय अपने पास है। गौ माता ये सारी साहिवाल और गिर है हमारे पास, जैसे हम इनकी सेवा करते हैं वैसे हमारे को माल दे रही है। इतना अच्छा मज़ा आ रहा है इसका दूध घर में पीने के भी, और हमारे दूध की क्वालिटी है, इनको कोई बाहर का फीड हम नहीं देते। सरसों का तेल है, अपनी सरसों बोते हैं उसका तेल निकलवाते हैं वो देते हैं, गेहूं का दाना है, जौ है, छिलका है, बिंदोड़ा है, बिंदोड़े का लेना पड़ता है हमने बाहर से, उसकी खड़ी हम इसको देते हैं, लेकिन वो अभी अच्छी क्वालिटी की, ये नहीं उसी से एक नंबर की क्वालिटी का हम दूध बनाते हैं हमारी गाय माता। और दूध इतनी डिमांड है हमारे पास, अब 200 लीटर दूध हमारे पास पैदा है, लेकिन बेचने के साथ 3 क्विंटल बेच लो, 4 क्विंटल बेच लो, नहीं, जो हमारे पास है हम उसी की बिक्री करते हैं। दयानंद के फार्म में आज लगभग 40 गायें हैं और लगभग 22-23 बछड़ी, तो जाहिर है फार्म भी काफी बड़ा होगा, लेकिन इस फार्म को बनाने के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। वो कहानी है एक नीम के पेड़ की, जिसे उन्होंने फार्म की छत बनवाने के लिए कटवाया नहीं, बल्कि भविष्य की सोच से जुगाड़ कर सीमेंट के बजाय टीन की शेड बनवाई, और आज कई सालों बाद ये पेड़ उनके फार्म की नींव और मजबूत कर रहा है। इसी के साथ दयानंद ने फार्म में पशुओं के मक्खी मच्छर से बचाव के लिए देसी तरीका भी अपनाया हुआ है, जो बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। हमारे पास अब कम से कम 22-23 बछड़ी भी है, और ये पीछे हमारे बछड़ी है, कुछ दूसरी साइड है, ये तैयार कर रहे हैं हम बछड़ी। हमारा सेल का कोई काम नहीं है, कभी कोई भाई ये सोचे ये सेल के लिए बोल रहे हैं, हम सेल करते भी नहीं, अपने लिए तैयार करते हैं हम। अब बाहर से परचेज नहीं करते कोई भी गाय, अपने घर में तैयार करके देसी गाय अच्छे सीमन रखवा के ये तैयार कर रखे हैं। उस परली साइड अब बच्चा देने वाले हैं बछड़ी, तो सब यहीं करते हैं। एक हमने ये सामने आप देख रहे, इसको अपने देसी भाषा में अड्डा बोल देते हैं, किसी गाय बीमार दवाई देनी है या क्रॉस करवाते हैं तो उसमें सेफ्टी के लिए लगा रखे हैं, ये पीछे जो अड्डा बना रखे हैं। बछड़ी सब हम अपनी तैयार करते हैं, बछड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो नस्ल के लिए कोई किसी को फ्री में दे भी देते हैं ना, गौशाला में डालते हैं, और भगवान की कुछ ऐसी मेहर है, अगर 20 गाय बच्चे दिए तो 2 ही बछड़े हमारे पास आते, 18 बछड़ी आती है। जब हम डेयरी का निर्माण कर रहे थे तो एक समस्या आ गई थी, हमारे पास ये नीम का पेड़ था, तो सब मिस्त्री वगैरह कहने ये तो काटना पड़ेगा, मैं कहा नहीं भाई, इसके लिए बाकी ये जो हमने चद्दर डाल रखी है सिमट की है,
इसके लिए हम सब पे सल्लो है कि चादर ले कटिंग करवा के और ये सेट करें। इसके हमने बड़े फायदे हैं, एक तो पूरे इस पे छाया रखता है, दूसरा 10 दिन में 12 दिन में इसकी हरी पत्ती तोड़ के गौ माता है बच्चों को भी खिलाते, उसमें पेट में कीड़े नहीं होते, बड़ा फायदा है। हम भी इसकी दातुन करते हैं, गांव में नीम की पेड़ खूब दातुन चलती है, तो इसलिए इसको बचा के रखा है और ये हमारे को छाया दे रहा है। और प्रदूषण जितने पेड़ लगे, हमने खेत में भी खूब पेड़ लगा रखे हैं, हमने अपनी डेयरी में एक देसी जुगाड़ लगाया है जो आप पीछे डिब्बे देख रहे हैं, इस डिब्बे में एक देसी चीज़ डाली है जैसे कपूर की गोली है और बूरा जो अपने घरों में यूज करते हैं, कपूर जलने वाला नहीं, जो किसान भाइयों सबको पता है किसी पशु के कीड़े जिना और पड़ जाते तो भरने वाला होता है, वो इसमें पीस के या गोली सीधी डाल दे और बूरा डाल दे थोड़ा पानी, आप 10 दिन में इसको चेंज करते हैं, इससे मक्खी और मच्छर 100 के 100 खत्म नहीं होते लेकिन 80% कम हो जाते हैं, पशु आराम से बैठते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत में पशुपालन कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक प्रमुख स्रोत भी है। हालांकि किसान दयानंद के लिए पशुपालन आय का मुख्य जरिया बन चुका है, सफल किसान दयानंद भी पशुपालन को बखूबी समझ चुके हैं। पशुपालन सफल किसान के लिए आर्थिक समृद्धि लाता है, साथ ही खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्रों की क्या भूमिका रहती है अपने क्षेत्र के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सफल किसान। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ब्रश। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कृषि विज्ञान केंद्रों की कार्य प्रणाली को समझते हैं, किस तरह से वो हमारे किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं और यहाँ के विशेषज्ञ से रूबरू होते हैं। केवीके यानी किसान विज्ञान केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। हमारे सफल किसान दयानंद को भी केवीके से मिले प्रशिक्षण से ही खेती करने में मदद मिली। कृषि विज्ञान केंद्र हर साल जो है प्रशिक्षण डेयरी के क्षेत्र में, बकरी के क्षेत्र में और आपके पोल्ट्री के क्षेत्र में प्रशिक्षण देता रहता है। आज दिल्ली में ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर यानी कि सफल किसान हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के उपरांत उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, आज वो बहुत बड़े मुकाम पर अपना कार्य कर रहे हैं। मैं अगर जिक्र करना चाहूँ तो गुम्मा नेहड़ा के किसान हैं दयानंद जी, जिन्होंने 1-2 पशु से अपनी शुरुआत की थी, आज वो बहुत बड़े क्षेत्र में डेयरी का काम कर रहे हैं और उनका जो दूध है वो दूध जो है आपके गुड़गावा और द्वारका तक वो अंदर तक सप्लाई करते हैं। हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र उजवा है दिल्ली में और यहाँ के डॉक्टर साहब JP गोदारा है, ये पशु विशेषज्ञ है, इन्होंने हमारे को बड़ा सहारा दिया, बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ बताते हैं। जब भी हमने विजिट तो ये अपने आप भी करते हैं और जब कभी फ़ोन भी कर दिया, रही है अपने ऑफिस से घर भी चले, जब भी हमारे को सहायता देते हैं, आके बताते हैं इसको ये दवाई दो, ये इंजेक्शन इसके लगेगा। और जैसे जैसे हमने ट्रेनिंग ली तो ट्रेनिंग यहाँ से भी ली, फिर KVK उजवा ने मेरे को करनाल NDRF में भेजा, वहाँ भी NDRI में, वहाँ भी हमारे को 8 दिन की पूरी ट्रेनिंग दिवा के भेजा इन्होंने। और हमारे डॉक्टर राणा जी जो आजकल यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के हेड है, तो इनसे सबसे खेती में भी पशु में भी बहुत हमारे को सहायता मिली।
केवीके उज्वा के द्वारा आज दर्जनों या कहें कि हजारों किसान पशुपालन और खेती किसानी के क्षेत्र में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। केवीके उज्वा उद्यमिता के क्षेत्र में नई तकनीकों, उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास के बारे में सही जानकारी किसानों को उपलब्ध कराते हैं, जो पशुपालन क्षेत्र में सुधार लाने में मदद करते हैं। केवीके और कृषि विश्वविद्यालय की सराहनीय भूमिका से किसान खेती हो या पशुपालन, इसमें नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर खुद को एक सफल किसान के रूप में स्थापित करते हैं। इस मामले पर पशुपालन विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जैसे हम देख सकते हैं इनके पास अब एक गिर की भी है और कुछ साहीवाल की भी है, और इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा नस्ल की भी, अब किस तरीके से इनको और इस मौसम के हिसाब से कि जैसे हमने इनको, वैसे तो हम समय समय पे सलाह करते रहते हैं, तो हमें क्या और सावधानियां रखनी चाहिए कि जैसे कि अब बारिश का मौसम है, कि हमारी चाहे साहीवाल है, गिर है, कोई भी चाहे हमारी देसी नस्लें हैं या कोई भी हमारी गाय है, जो भी पशुपालक भाई रखता है, तो उसे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे मेन, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसमें अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, पशु भी संवेदनशील हो जाता है कि जो कहीं जल्दी से बीमारी की चपेट में आने से, तो जितना हम उसको सूखा वातावरण देंगे तो उतना ही पशु स्वस्थ रहेगा। इस मौसम में जैसे पशुपालक भाई की हरे चारे की उपलब्धता, चारों तरफ हरा चारा है, तो हमें उस चीज़ को भी नियंत्रित करके रखना है कि उपलब्धता ज़्यादा है तो ऐसा नहीं कि हम हरा चारा ही ज़्यादा डालते रहें, हमें वही सेम मात्रा में 60-40 की रेशियो में भी 40% हमारा भूसा और 60% हरा चारा, उसी को हमें नियंत्रित करते हुए सूखे की मात्रा भी उतनी ही रखनी है, जिससे कि पशु का पाचन तंत्र भी ठीक रहे और उस तरीके उसमें कोई इस तरीके की दिक्कत ना आए। वैसे सफल किसान दयानंद की पूरी कहानी जान इतना तो समझ आ ही गया कि खेती के साथ पशुपालन सभी लिहाज से फायदे का सौदा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है इसे सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की, जिसके लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता है, इसकी देखरेख करनी पड़ती है, तभी जाकर किसान को उसकी मेहनत का असली फल मिलता है। खेतों के साथ पशुओं की सही देखभाल, उत्पादन और उससे होने वाले फायदे को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान। उम्मीद करते हैं हमारे सफल किसान दयानंद यादव से मुलाकात करके उनकी दास्तान को जानकर आप उनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान अगर आपके पास भी है, आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी safalkisandidi@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा, सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, ये अगले अंक में ऐसी ही एक अनोखी दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। Thank you.
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।